हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्र राणा। दोस्तों, आज के मजेदार वीडियो में हम लोग बात करने वाले ईवी बाइक के बारे में। आप देख सकते हो जो पेट्रोल के प्राइजेस है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जितने भी टू व्हीलर्स है ये शिफ्ट हो जाए ईवी के ऊपर। और काफ़ी लोग ईवी के लिए रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप रिसर्च कर रहे हो और आप अगर फ्यूचर में लेना चाह रहे हो तो ये वीडियो को ज़रूर देखिए। हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है। सारी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एथर 450X के बारे में। एथर जो है काफ़ी पुरानी कंपनी है ईवी इंडस्ट्री में। मैं बोल सकता हूं कि वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी टू कम इन इंडिया। तो दोस्तों, ये वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत सी एथर A450X के थ्रू। काफी बेहतरीन सी बाइक है। बाइक में इनबिल्ट आता है 4G सिम कार्ड। अभी यहाँ पे हमको डालनी है की, और की के साथ में शुरुआत करते हैं। तो की डालने के बाद में ऐसा खूबसूरत सा आपको डिस्प्ले दिखता है, और डिस्प्ले के अंदर ये आपको बैटरी कितना चार्ज है, कौन से मोड्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती है। ये बटन दबाना है। बटन दबाने के बाद में आपको जो मोटर है वो स्टार्ट कर हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे पहले आपको पार्किंग से अगर बाइक निकालनी है तो पार्किंग का एक अच्छा मोड दिया है पार्क असिस्ट करके, जिससे आप रिवर्स फॉरवर्ड दोनों चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे मोड की बात करते हैं। अलग अलग मोड्स दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि इको मोड है, राइड मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, रैप मोड है। ये दोस्तों यहाँ पे स्पीड लॉक करता है गाड़ी। बेसिकली आप रैप मोड में भी चला सकते हो गाड़ी को। अगर आप प्रॉपर स्पीड से गाड़ी को चलाओगे तो आपको अच्छी रेंज मिलेंगी। सारी रेंज जो डिपेंड करती है आप बाइक कैसी चलाते हो उसके ऊपर। तो दोस्तों, ये है स्विच ऑन स्विच ऑफ का बटन, ये है अपर डिपर का बटन, आप ये है इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स कर सकते हो, ये है हॉर्न का बटन है, और ये जो है ये आपके मोड्स चेंज करने का, और नीचे का स्विच ऑफ स्विच ऑन का बटन प्रेस करके यहाँ पे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे देखो, ये मोटर स्टार्ट हो गई है। और बहुत अच्छा एक फीचर है यह पार्क असिस्ट का। पार्क असिस्ट के अंदर आपको क्या करना है बेसिकली कि आपको ये यहाँ पे लेके आना है, और आपको ये दो मोड दे रहा है, रिवर्स मोड था, वो रिवर्स मोड में था। अभी अगर फॉरवर्ड मोड करना है तो यही स्विच को दबाना है और आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। ये फॉरवर्ड मान लो आपका आगे का चक्का ये खड्डे में है और आपको धक्का मार के पीछे लेना है, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप में उतना पावर नहीं है। कोई लेडीज़ है जो पीछे नहीं खींच पाती है गाड़ी को, तो ये रिवर्स मोड को हमने लोगों ने डाल दिया। देखो, अभी मैं यहाँ पे दोनों पैर रख के देखो, ये रिवर्स मोड में ये आगे कर दिया, ये ऑटोमेटिकली पीछे आ गया। TFT स्क्रीन के साथ में आपका फ़ोन भी जो है ब्लूटूथ के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। जैसा मेरा यहाँ पे फ़ोन है, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये है रवीज़ आईफोन भी कनेक्टेड है। तो उसके अंदर क्या होगा बेसिकली, जब भी आपको फ़ोन कॉल्स वगैरह आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा किसका कॉल आ रहा है, और आपको कोई म्यूज़िक वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से ही जो है पिकअप कर सकते हो फ़ोन कॉल्स को, और आपको म्यूज़िक के चेंज करना है उसको। लुक के बारे में दोस्तों देखेंगे अपन, काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा है, जिसे हम लोग कह सकते हैं 3S लुक दिया है। शार्प, स्लिम और स्लिक, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रही है गाड़ी। स्पेस के बारे में बात करेंगे, मेरी हाइट जो है अबाउट 6 फीट 1 इंच है, और मैं जब बैठता हूँ काफ़ी कम्फर्टेबल है बैठने के लिए। मिरर का लुक जो है ये काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक है, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। मिरर का जो ब्रैकेट आप देख सकते हो ये काफ़ी रिच लुक देता है। नंबर प्लेट का जो ब्रैकेट भी है वो भी काफ़ी स्टडी बना है, काफ़ी अच्छा बना है। जो ग्रिप या लीवर जो है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। सो जो कंसोल पैनल्स दिए हैं यहाँ पे, इसकी जो क्वालिटी है ये काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है। बात करेंगे दोस्तों डिक्की बूट की, यहाँ पे जैसे की है इसको लेफ्ट साइड में आपको घुमाना है तो ये खुल जाएगा। खुलने के बाद में कुछ ऐसा दिखता है डिक्की बूट, और काफ़ी अच्छा स्पेस है। एक फुल फेस हेलमेट इसमें आ जाएगा। यहाँ पे आप फ़ोन को भी रख सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा रबर कोट दिया है तो फ़ोन का वाइब्रेशन होके फ़ोन को डैमेज नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक अच्छा सा LED लाइट दिया है जो रात में अंदर का आपको देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए ईजी हो जाता है। एक अगर USB केबल इसमें दिया होता तो काफ़ी अच्छा होता, तो अपन मोबाइल भी इसमें चार्ज कर सकते थे। यहाँ पर एक फर्स्ट एड किट रखने की भी छोटा सा रबर दिया है जिसमें आप हुक करके रख सकते हो और ईजीली ऐसा बंद हो जाता है। गाड़ी का जो हेडलाइट है दोस्तों, ये सारे LED लाइट्स दिए गाड़ी के अंदर। काफ़ी पावरफुल लाइट था, मैंने अंधेरे में गया, ये देख सकते हो आप यहाँ पे विजुअल, अंधेरे में ये काफ़ी अच्छा थ्रो दे रहा था। तो इंडिकेटर भी काफ़ी अच्छे स्मार्ट इंडिकेटर दिख रहे हैं। सो टेल लाइट का भी जो क्वालिटी है दिखने के लिए वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। इंडिकेटर देखो यहाँ पर साइड में दिया है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो आवाज़ आता है इंडिकेटर लगाने के बाद में वो भी एकदम सटल है। व्हील्स के बारे में बात करेंगे, आगे और पीछे में कंपनी ने दोनों अलॉय व्हील्स दिए हैं, और ये जो है ये 12 इंच के अलॉयज है। इसके अंदर जो टायर का साइज़ है वो है 90-90-12, जो काफ़ी लो रोलिंग रेजिस्टेंस, जिससे आपका फ्यूल एफिशिएंसी अच्छा रहता है, इसके लिए काफ़ी अच्छे टायर्स दिए हैं, जो सेम टायर लगते हैं आपके एक्सेस में, तो वही टायर इसमें दिए हैं। सो ब्रेक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, दोनों डिस्क ब्रेक है आगे और पीछे में, नॉन ABS वाले।
सो फ्रंट ब्रेक डिस्क है वो 200 mm का है, रियर डिस्क ब्रेक जो है वो 190 mm का है। तो अभी बात करेंगे दोस्तों साइड स्टैंड के बारे में, काफ़ी अच्छा स्लिम दिया है साइड स्टैंड, और ये जो है जो जगह जैसी बनाई है, जो ब्रैकेट बना है वो बॉडी के साथ में फ्लश हो जाता है और काफ़ी अच्छा दिखने में है। ये में काफ़ी अच्छा एक यूटिलिटी हुक दिया है जो हाइड हो जाता है अगर आप यूज़ नहीं करते उसको। ये बाइक जो दोस्तों है ये बेल्ट ड्रिवन बाइक है, एक्टिवा वगैरह आप देख सकते हो वो भी बेल्ट ड्रिवन होती है, और मोस्टली जो ईवी बाइक्स मैंने देखी है जो नॉन लाइसेंस या लाइसेंस भी आ रही है यहाँ पे यूजुअली मोटर डाला हुआ होता है, तो उसका ड्रॉबैक ये है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश में उसमें पानी जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो मोटर है ये काफ़ी ऊपर हाइट में है और ये बेल्ट ड्रिवन बाइक है, तो वो एक अच्छा चीज़ मुझे लगा इस बाइक का। इसके अंदर जो तो मोटर दिया है दोस्तों वो है 6 kW का, जो काफ़ी कंफर्टेबल है कोई भी 125 cc बाइक के साथ में। तो ये इसकी जो मोटर है ये IP68 है जो कि वाटरप्रूफ है, 26 Nm का टॉर्क दिया है जो कि काफ़ी पावरफुल है, और हाईएस्ट स्पीड मैंने ये चलाई ये बाइक में वो है 90, तो ऑब्वियसली पावर काफ़ी अच्छा है। और ये जो TFT स्क्रीन है ये भी वाटर रेजिस्टेंस है, बारिश में काफ़ी कंपनी ने रिसर्च किया है, कोई पानी का अभी तक कंप्लेंट नहीं आया उसमें। सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन में कंपनी ने फ्रंट में जो दिए है ये टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन है, और जो रियर में दिया है दोस्तों ये है मोनोशॉक सस्पेंशन। मैं और मेरी वाइफ कल हम लोग गए थे राइड के लिए, और राइड पे जब गए थे तो मेरे वाइफ ने बोला कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है यहाँ पे पैर रखने के लिए, उसको एक खाली डर लगा कि ये जो पीछे का जो गार्ड है ये थोड़ा नीचे है, और यूजुअली बाइक में ऊपर रखता है तो थोड़ा स्पीड में रहता है, तो वाइफ को लगता है वो पीछे गिर जाएंगी, तो ये एक डर उसको था। जो सीट है दोस्तों ये काफ़ी कम्फर्टेबल है दो लोगों के लिए। दोस्तों अभी बात करेंगे बैटरी के बारे में, काफ़ी लोगों को एक एंग्जाइटी होती है कि ये ईवी बाइक है मेरे रास्ते में बंद होगा तो क्या होगा, काफ़ी क्वेश्चन है इसको रिलेटेड, तो वो सारे डाउट्स आज के वीडियो में हम लोग आपके कवर करेंगे। गाड़ी की जो बैटरी है वो है 2.9 kW की, सो जो लिथियम आयन बैटरी आती है, जिसके अंदर यूजेबल बैटरी जो है वो 2.6 kW है। बैटरी का रेंज जो है उसके अंदर अलग अलग मोड्स दिए हैं, पावर में आप गाड़ी चलाते हो उसके ऊपर आपको रेंज मिलती है, कितना फास्ट आप चलाते हो उसके ऊपर रेंज मिलती है, लेकिन ये मैं एवरेज मैंने चला के देखा है गाड़ी को, तो एवरेज जो रेंज मुझे मिली इस बाइक से वो है 65 km, जिसके मैंने वॉक मोड को भी यूज़ किया, मैंने स्पोर्ट्स मोड को भी यूज़ किया, मैंने इकोनॉमिकल मोड को भी यूज़ किया, राइड मोड को भी यूज़ किया, सारे मोड्स यूज़ किए, तो ये सारे मोड्स यूज़ करने के बाद में मुझे रेंज जो मिली वो 65 km की है। दोस्तों एवरेज कम्यूटर जो है वो 20 से 30 km दिन का गाड़ी चलाता है, तो ये दो दिन के लिए काफ़ी सफिशेंट है, लेकिन एक बेनिफिट ये है इसका कि आप घर पे होम डॉट चार्जर अगर लगा देते हो, जब भी आप शाम में गाड़ी पार्क करते हो उसको चार्ज कर लीजिए, तो चार्ज करने के बाद में ऑब्वियसली आप नेक्स्ट डे उसको वापस यूज़ कर पाओगे, आपको 65 km का रेंज मिलेगा। मुझे मैंने 3 दिन ये बाइक को यूज़ किया है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिया चार्जिंग के बारे में, मुझे ना सोचना पड़ा कि मुझे सही में चार्जिंग की ज़रूरत है या नहीं है। इथर कंपनी स्कूटर के साथ में दो चार्जर्स देती है, दो ऑप्शन देती है चार्जर के, एक ऑप्शन है आपका होम डॉट चार्जर जो आपके घर पर लगता है, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। डॉट चार्जर का इंस्टॉलेशन कॉस्ट फीस, उसके साथ में आपको 5 मीटर का वायर आता है, और उसके अलावा कुछ और वायर चाहिए आपको तो दैट इज कॉस्ट एज पर करंट कॉस्ट इज 170 rupees per meter, और इंस्टॉलेशन चार्ज जो है उसका 2500 है, ये एज पर करंट सिचुएशन, ये चेंज भी हो सकता है फ्यूचर में। दूसरा जो ऑप्शन है वो है पोर्टेबल चार्जर का, जिसको 5 ampere का सॉकेट की जरूरत होती है, ऑब्वियसली आप उसको वहाँ पे चार्ज कर सकते हो। दोनों चार्जर को चार्ज करने के लिए अप्रॉक्स टाइम जो लेता है बाइक 0 to 100% करने के लिए वो है 5 से 5.25 घंटा, लेकिन कंपनी बोल रहा है 5.5 घंटा भी लगता है। दोस्तों एक ऐप बना है जहाँ पे आप ऐप पे जाके चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ पे ये ग्रिड चार्जर्स अवेलेबल है। ग्रिड चार्जर्स ये फास्ट चार्जर्स होते हैं, 1.5 से 2 घंटे में पूरा 0 to 100% कर देते हैं, तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग एक ग्रिड चार्जर के ऊपर गए, वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी को चार्ज करने को ट्राई किया। आज के तारीख में दोस्तों वो फ्री है ग्रिड चार्जर, उसका कोई चार्जेस नहीं है। कंपनी से ऑफिशियल से मैंने बात की, ये 31 मार्च 2022 तक ये फ्री है, उसके बाद में कुछ चार्जेस रहेंगे, अभी तक कंपनी ने डिसाइड नहीं की है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये जो भी चार्जर्स लगे हैं ये गवर्नमेंट के पार्किंग में लगे हैं, तो जब भी आप चार्जिंग करने के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली आपको पार्किंग का कॉस्ट पे करना होता है, तो मैंने यहाँ पे 20 रुपये पार्किंग का चार्ज पे किया था और अंदर गाड़ी लेके गया और वहाँ पे मैंने चार्ज किया। तो ये एक्सपीरियंस देख सकते हो मेरा चार्जिंग का, ये जो वीडियो क्लिप्स है मैंने वो मेरे चार्जिंग्स की डाली है। अभी लेते हैं टेस्ट राइड, की को ऑन कर दिया है, यहाँ पे बटन दबा दिया है, मोटर ऑन हो चुकी है, ऐसा खूबसूरत सा डिस्प्ले दिखता है, अभी देखते हैं कैसी मज़ा आएगा बाइक के ऊपर। तो अभी जो बाइक है वो है इको मोड में, तो इको में मैक्सिमम चला सकते हैं 50 की स्पीड,
उससे ज़्यादा वो भागता नहीं है, वहाँ पे लॉक हो जाता है सीट। इसी मोड आपको अगर चेंज करना है, आपको ये दबाना है और ये देखो ये मोड चेंज, तो अभी हम आ गए राइड मोड में। जो राइड मोड में मिलती है वो है 60, और उसके बाद में जो मोड आता है वो आता है स्पोर्ट्स मोड। तो ये स्पोर्ट्स मोड डाल दिया अभी, तो स्पोर्ट्स मोड का जो हाईएस्ट स्पीड वो 75 तक जाता है। और जो है सुपर पावरफुल जिसे कहते हैं रैप मोड, मैप मोड जो है वो जाता है 90 तक। मतलब 90 तो मैंने चलाया, पता नहीं किसने ज़्यादा भी चलाया होगा उससे। मैंने चलाई बाइक 60 किलोमीटर और ऑलमोस्ट 100% चार्ज में मेरे को जो एवरेज मिला है वो मिला है 55-60 का। मैंने सारे मोड में डाल के चेक किया, मतलब रैप भी चलाया, स्पोर्ट्स भी चलाया, जैसा जैसा रास्ता मिलता गया, जैसी जगह मिलती गई वैसे वैसे चलाता गया और काफ़ी मज़ा आया। और मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये अल्टरनेटिव हो सकता है पेट्रोल का। मेरे को पावर का तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था, काफ़ी भर भर के पावर है इसमें। अगर आपको पता है कि आप 30-40 किलोमीटर दिन का चलाने वाले हो तो ये सफिशेंट है। सस्पेंशन की बात करेंगे, काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है। तो बाइक का जो शेप है दोस्तों ये है पिरामिड टाइप शेप है, तो इसके अंदर जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होता है, तो हैंडलिंग है वो काफ़ी अच्छा है उसकी वजह से। अभी जैसा मेरा हाइट और बॉडी जो है वो काफ़ी बल्की है, तो मेरे लिए ये बाइक बहुत ज़्यादा बच्चा जैसी दिखती है, स्कूटी टाइप में दिखती है। तो थोड़ा और इसका लुक अगर बड़ा कर दिया जाए तो मेरे को भी सूट होगी। एक सबसे बड़ी एंग्जाइटी ईवी के अंदर सबको आ रही है वो है रेंज के बारे में। आज की तारीख में कंपनी क्लेम करता है कि ये इसकी जो रेंज है 118 किलोमीटर है, लेकिन कुछ मोड्स अब हम लोग यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली रेंज कम होगी। जितना हाई स्पीड से भगाओगे तो ऑब्वियसली रेंज कम होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और थोड़ी बड़ी बैटरी अगर आ जाए इसमें, रेंज जो है ये मिनिमम 150 तक हो जाए, तो ऑब्वियसली लोग और ज़्यादा प्रीफर करेंगे। क्योंकि एक लोगों के अंदर एंग्जाइटी है कि मैं कैसी खरीदूँ गाड़ी जब रेंज कम है, तो कंपनी आई नो कि कंपनी ने काफ़ी रिसर्च करके ही बनाया। और काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि रिमूवेबल बैटरी होनी चाहिए। पहले के दोस्तों फ़ोन जो होते थे मोबाइल फ़ोन उसमें रिमूवेबल बैटरी होती थी, लेकिन आज जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उसमें रिमूवेबल बैटरी नहीं होती है, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर रेंज उसकी थोड़ी बड़ी हो जाए तो और मज़ा आएगा गाड़ी चलाने के अंदर, मतलब वो एक एंग्जाइटी नहीं रहेगी, एक डर नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा था कि आपको बाइक के साथ में 4G सिम कार्ड आता है, तो 4G सिम कार्ड का आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, उसे कहते हैं कनेक्ट प्रो, जिसका चार्जेस है अबाउट 2400 रुपीज़ प्लस टैक्सेस पर ईयर। और उसके साथ में आपको एक एक्सेस मिलता है यूनिक आईडी के साथ में ऐप का, तो ऐप में आप गाड़ी को चेक कर सकते हो कि गाड़ी आपका कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप जाके लोकेट कर सकते हो। गाड़ी के अंदर कितना चार्ज है ये आपके मोबाइल फ़ोन के ऐप में आप देख सकते हो। गाड़ी का अगर चार्जिंग हो रहा है तो वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा आपका नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है वो भी आप देख सकते हो, जो पावर जो ग्रिड चार्जर्स है वो। और उसके अलावा आपने जो जो पास्ट में जो जो राइड्स की है वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये ऐप में मिलता है। ऐप काफ़ी खूबसूरत सा ऐप है, और उसके साथ में जो 4G सिम कार्ड है उसके साथ में आपको GPRS सिस्टम का भी एक्सेस मिलता है। तो आप जैसे ये TFT स्क्रीन पे देख सकते हो, तो आपको कहीं पर भी जाना है तो आप ऑब्वियसली वो लोकेशन का डाल के आप वहाँ पे ड्राइव कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है, और जब भी आप गाड़ी चार्जिंग पे लगाते हो कितना चार्ज हुआ है, क्या रेंज है, कौन से मोड में अभी गाड़ी है, तो मान लो अगर बच्चे होते कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो कि गाड़ी अभी कहाँ लेके गए वो लोग। तो ये सारी चीज़ें इस ऐप के थ्रू आप देख सकते हो। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि ये जो स्कूटर है ये काफ़ी कंपेटेबल है कोई भी 125cc के साथ में, और मैं ये इजीली कह सकता हूँ कि ये रिप्लेस भी कर सकती है उनको। और आप यूजुअली 5 साल के बाद में देखेंगे कि ये सारी EVs आपको रोड पे दिखेंगी। सो आपको दोस्तों 3 कलर ऑप्शन आते हैं बाइक के साथ में, एक है मिंट ग्रीन, और दूसरा है वाइट, और थर्ड है जो कि स्पेस ग्रे है, जो कि ये कलर है। तो काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शन है, एक लिमिटेड एडिशन ऑप्शन भी आता है उसमें, लेकिन वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। आपको अगर बाइक बुक करना है तो आप ऑनलाइन जाके बुक कर सकते हो, वहाँ पे उनका वेबसाइट है etherenergy.com, जहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हो। अभी काफ़ी अच्छी सब्सिडी चल रही है गवर्नमेंट की, हर सिटी का कुछ अलग अलग प्राइजेस है, तो प्राइजेस के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर प्राइजेस आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके आपके सिटी के प्राइजेस निकाल सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सब्सिडी दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी अच्छी सब्सिडी दी है। दोस्तों अभी बैटरी के बारे में बात करेंगे। बैटरी ये जो स्कूटर में आती है वो 2.9 किलोवाट की बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है। जो कंपनी ऑफिशियल ने मुझे बताया था कि ये बैटरी को आप 2500 टाइम्स चार्ज कर सकते हो 0 to 100 तक, मतलब एक रेंज में, एक चार्ज में हम लोग बोलते हैं अगर 60 किलोमीटर चलती है
तो मल्टीप्लाई बाय 2500 करेंगे तो 1.5 लाख किलोमीटर तक ये बाइक फ्री चलती है। कंपनी इसका वारंटी जो दे रही है वो 3 ईयर्स का वारंटी दे रही है अनलिमिटेड किलोमीटर्स का। ओवरऑल जो बाइक का वारंटी है वो 3 साल का है, 30,000 किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। मान लो आपने 1 साल में 30,000 चला लिया, आपका गाड़ी का वारंटी ख़त्म हो चुका है। और बैटरी का जो है वो 3 साल का आपको मिनिमम वारंटी मिलेगा अनलिमिटेड किलोमीटर्स का। मान लो अगर आपका बैटरी ख़राब हो जाता है 3 साल के बाद में और आपको अगर डालना है तो आज के तारीख में उसकी कॉस्ट है अबाउट 45,000 जो उनके वेबसाइट पे मेंशन है। लेकिन ये जो प्राइस है ये आज के तारीख में है क्योंकि डिमांड इसकी आज कम है। ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बैटरी के प्राइजेस भी थोड़े कम होंगे। और काफ़ी इंडियन कंपनी जैसे एमरॉन वगैरह वो भी रिसर्च कर रही है और ऑलरेडी बैटरीज दे रही है पीजो वगैरह को, तो ये जो इंडियन प्लेयर्स आ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो बैटरी का कॉस्ट है ये कम हो जाएगा। सर्विस में लोग दोस्तों जो कॉस्ट है इसकी काफ़ी मिनिमम है, मतलब उनके पास में 2 पैकेजेस है, एक है प्रो और एक है इलीट। तो लीड पैकेज जो है उसके अंदर आपको बेसिकली सर्विस सेंटर जाना होता है, जो उसका कॉस्ट है अबाउट 2500 है। और जो प्रो का पैकेज है वो कुछ 3 से 3,500 के बीच में है कुछ। तो प्रो में वो आपको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी देते हैं, तो आपसे घर से गाड़ी पिकअप कर देंगे और आपके घर पे ड्रॉप कर देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा एक फैसिलिटी इन्होंने दिया है। दोस्तों बात आती है कि गाड़ी खरीदनी कैसी है, तो खरीदने के लिए इनके 2 ऑप्शन है। एक है आपकी उनके वेबसाइट पर जा सकते हो ethereenergy.com के, वहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो और इजीली आपका स्लॉट बुक करके आप पेमेंट करके ले सकते हो गाड़ी। दूसरा उनका एक्सपीरियंस सेंटर है जहाँ पे आप जाके टेस्ट राइड भी ले सकते हो और आप वहाँ पे गाड़ी का बुकिंग भी कर सकते हो। एथर जो है दोस्तों आज के तारीख में काफ़ी लिमिटेड सिटीज़ में अवेलेबल है, लेकिन मुझे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं वो सिटी में नहीं रहता हूँ क्या मैं एथर खरीद सकता हूँ क्या। दोस्तों आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होगा आपका कि आपको जब सर्विस करना होगा तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उस रेंज में जा सकते हो क्या, या आपके पास में कोई सपोर्टिव व्हीकल है क्या वो व्हीकल को लेके जाने के लिए। दोस्तों अगर आपके अभी मन बना लिया गाड़ी खरीदना है तो 3 ऑप्शन है गाड़ी खरीदने के। एक है आप गाड़ी लीज पे ले सकते हो, मतलब भाड़े पे लेके गाड़ी चला सकते हो। दूसरा आउटरेट, मतलब पेमेंट करके फूला ले सकते हो। और थर्ड जो है बैंक फाइनेंस कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है। कोई भी अगर क्वेश्चंस है और जो मैंने आंसर नहीं किए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ट्राई करूँगा उसे आंसर करने के लिए। हमारे चैनल पे हमने ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं और मैंने अभी एक नया सीरीज चालू किया ईवी का। आप कौन सी ईवी बाइक्स के वीडियो देखना पसंद करोगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे अच्छे ईवी वीडियो आपको देखने मिलने वाले हैं। और ये जो था ये हमारा पहला वीडियो था, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट में बताइए। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।